इस मैडम को आप गौर से देखिए, नाम है मिताली शर्मा और यह घूस लेते पकड़ी गई है। रिश्वत लेते हुए कई अधिकारी पकड़े जाते हैं, लेकिन मिताली के मामले में खास बात यह है कि यह उनकी पहली ही पोस्टिंग थी और उसमें उन पर घूस जैसा कलंक लग गया। मिताली 7वीं से लेकर 10वीं JPSC बैच की है। सोचिए, अभी पदभार ग्रहण करते हुए मैडम को 1 साल भी नहीं हुए हैं और वह घूस मांगने लगी। मिताली ने जब इतनी कम उम्र में यह परीक्षा पास की थी तो पूरे हजारीबाग में वह चर्चा का विषय बनी हुई थी। घर पर मीडिया वालों का आना जाना लगा रहता था, परिवार में जश्न का माहौल था। माता पिता फूले नहीं समा रहे थे कि बेटी अफसर बन गई। एक वह भी समय था जब माता पिता का सर गर्व से ऊपर हो गया था और एक आज का भी समय है जब माता पिता का सर मिताली ने शर्म से नीचे झुका दिया है। परीक्षा पास करने के कुछ महीनों तक ट्रेनिंग चलती है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर उनको ट्रेनिंग कैसी मिली, ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया होगा। यह तो कतई नहीं कि तुम कुर्सी पर बैठते ही घूस लेना शुरू कर देना। जिस मिताली की चर्चा अभी भ्रष्ट अधिकारी के रूप में हो रही है, वह UPSC करना चाहती थी, उसमें भी वह एक ईमानदार IPS ऑफिसर बनना चाहती थी। तो क्या ऐसे होगा IPS ऑफिसर बनने का सपना पूरा 10,000 घूस लेकर? अब समझिए पूरा मामला। मैडम मिताली सहकारिता विभाग में कोडरमा अंचल की सहायक निबंधक के पद पर तैनात है। मिताली शर्मा को ACB हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को 10,000 घूस देते पकड़ा। मिताली शर्मा अपने कार्यालय कक्ष में ही रामेश्वर प्रसाद यादव नामक व्यक्ति से रिश्वत ले रही थी, तभी ACB के हत्थे चढ़ गई। रामेश्वर यादव ने ACB को एक आवेदन देकर बताया था कि वे कोडरमा व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के प्रबंध समिति के सदस्य हैं। यह कंपनी बीज वितरण का कार्य करती है। 16 जून 2023 को मिताली शर्मा ने व्यापार मंडल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में कुछ खामियां मैडम को दिखी होगी तो उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा था। इस संबंध में जब रामेश्वर यादव मैडम मिताली से मिलने गए तो वह बोली कि स्पष्टीकरण अगर नहीं देना चाहते हैं तो 20,000 घूस देना होगा। रामेश्वर घूस नहीं देना चाहते थे, इसलिए ACB हजारीबाग को आवेदन दिया था। इसके बाद मामले की जांच की गई तो रामेश्वर की बात सच निकली, मैडम ने तो वाकई घूस मांगा था। अब थोड़ा बैकग्राउंड की कहानी में चलते हैं। मिताली ने पिछले साल ही JPSC की परीक्षा पास की है, उसमें उन्होंने 108वां रैंक प्राप्त किया था। पहले तो UPSC की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसी बीच JPSC का नोटिफिकेशन आ गया तो उन्होंने उसमें भी बाजी मार ली। उस वक्त तक तो इनके दिलो दिमाग में इतनी ईमानदारी भरी थी कि इनको पुलिस विभाग चाहिए था। एक इंटरव्यू में मिताली ने कहा कि उन्हें नोबेल पढ़ना बहुत पसंद है, वह पेंटिंग अच्छा बना लेती है। उन्होंने बताया कि क्रिएटिविटी काफी है उनके अंदर। परीक्षा को लेकर मिताली ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा कि वह रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी, सोशल लाइफ से बिल्कुल कट गई थी, पार्टीज अटेंड नहीं करती थी, शादियों में नहीं जाती थी, घर में रहकर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करती थी, तब जाकर इतनी कम उम्र में सफलता पाई। किया भी होगा, हमें उनकी तैयारी पर शक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके दिमाग में शुरू से ही स्पष्ट चित्र बना हुआ था कि उनको हर हाल में सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करनी है, इसलिए ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही वह तैयारी करने में जुट गई थी। इसके लिए वह अपने परिवार को बहुत धन्यवाद भी कह रही थी। वह कह रही थी कि परिवार ने उनको पूरा सपोर्ट किया। उस दौरान पिता ने भी संवाददाता से कहा कि ऐसी खुशियां मिडिल क्लास फैमिली में बहुत कम देखने को मिलती है और मेरी बेटी ने यह परीक्षा पास करके मुझे गौरवान्वित करवाया है। सवाल यह है कि आखिर क्या फायदा हुआ इतनी त्याग और तैयारियों का। फिलहाल मिताली शर्मा को हजारीबाग की ACB टीम अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई है, आगे की कार्रवाई जारी है। वैसे मिताली का यह मामला वैसे तमाम युवाओं के लिए एक सबक है जो अधिकारी बनते ही धन बटोरने का सपना संजो लेते हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in